जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है, पत्नी को वामंगी क्यों कहा जाता है। जानेंगे पत्नी को वामंगी क्यों कहा जाता है और पत्नी वामंगी क्यों कहलाती है। मित्रों, जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में, अंत तक आइए जानते हैं। मित्रों, शास्त्रों में पत्नी को वामंगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण यह भी है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक है शिव का अर्धनारी ईश्वर शरीर। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान में कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की ओर, बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है, और जो कि देखी भी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामंगी होती है, इसलिए सोते समय और सभा में सिंदूर दान, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री पति के बाईं ओर रहना चाहिए, इससे उसको शुभ फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, वामंगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्न प्रशासन के समय पत्नी की पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी के पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे तर्क यह है कि जो कर्म संसारिक होते हैं उनमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, क्योंकि यह कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। मित्रों, यज्ञ, कन्यादान, विवाह, यह सभी काम पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है, इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने के नियम होते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामंगी कहा गया है, यानी पति के शरीर का बायां अंग हिस्सा अथवा पत्नी के पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है और उसे खुशहाली प्रदान कराती है। इसके बाद परिवार का ख्याल रखती है और वह सभी सुख प्रदान करती है जिसके वह योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, लोग कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते का वह रूप वही रहता है और प्यार और आपसी समझ से बना हुआ होता है। हिंदू धर्म में प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वह घर की लक्ष्मी है, यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियां आएगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक मित्रों बताया गया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण, जिसे लोक प्रचलित भाषा में गृहस्थों के कल्याण की पुराण भी कहा जाता है, उसमें उल्लिखित पत्नी के कुछ गुणों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उनके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण है, वे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं कि पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे, इसलिए गरुड़ पुराण में यह तथ्य कहते हैं। सा भार्या या गृह दक्षा, सा भार्या या प्रियवंदा, सा भार्या या प्रतिप्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। मित्रों, गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाला एक श्लोक मिलता है, यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति के प्राण है, जो पति प्रायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य यह है कि पत्नी जो घर के काम को काज को संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटों का भी जो ख्याल रखती हो। मित्रों, जो पत्नी घर के सभी कार्य, जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, यह कार्य करती हो, वह एक गुणों वाली पत्नी कहलाती है। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुणों वाली कहलाती है। ऐसी पत्नी हमेशा ही अपने पति की प्रिय होती है।
मित्रों प्रिय वादिनी से तात्पर्य है कि मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के जमाने में जहाँ स्वतंत्र स्वभाव और तेज तरार बोलने वाली पत्नियां भी हैं, जो नहीं जानते कि किस समय किस से कैसी बात करनी चाहिए, इसलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे धीरे प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणों वाली पत्नी मानी जाती है। पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उनकी हर बात को ध्यान से सुनता है, वह उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश भी करता है। परंतु केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्यों या फिर परिवार से जुड़े सभी लोग भी संयम से बात करने वाली स्त्री एक गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में हो वहाँ कलह और दुर्भाग्य कभी भी नहीं आता है। मित्रों पति परायणा यानी पति की हर बात मानने वाली पत्नी भी गरुड़ पुराण में अनुसार एक गुणी पत्नी होती है। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती हो, उसे देवता के समान मानती हो तथा कभी भी अपने पति के बारे में वह बुरा ना सोचती हो, वह गुणी पत्नी होती है। विवाह के बाद एक स्त्री ना केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वरन वह उस नए घर की बहू भी कहलाती है। उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। मित्रों इसलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज को स्वीकारना स्त्री की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का भी पालन करना होता है। विवाह के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वह अपने पति व परिवार के हित की सोचे, वह ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे पति या परिवार की अहित या कहीं बेइज्जती होती हो। मित्रों गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए संस्थी सवरती है, कम बोलती है तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है तथा अपने पति का ही हित सोचती है, उसे ही सच्चे अर्थ में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में यह सभी गुण है उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। मित्रों ये थी एक बहुत ही सरल जानकारी। ऐसी ही सरल जानकारी जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।